नमस्कार, मंजुला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आर्ट क्लास के अंतर्गत कुकिंग क्लास लेंगे। इस कुकिंग क्लास में आज आपको हमारे छत्तीसगढ़ का नाश्ता बनाना बताएंगे, जिसे पान रोटी के नाम से जाना जाता है। यह नाश्ता 7 लोगों के लिए बनेगा। इसकी सामग्री जो लगेगी, सर्वप्रथम इसको बनाने के लिए थोड़ी सी कच्ची जमीन की जरूरत पड़ती है। इसकी सामग्री है केले का पत्ता, छेना गोबर का जो बना रहता है, टीपा, इस प्रकार टीपा या टीन का चौकोर टुकड़ा, जैसे ये रखे हम सामने, केले का 4 या 5 पत्ता, चावल आटा 1/2 किलो, रात का डुबाया हुआ 1 पाव चावल का बासी, 1 बड़ा चम्मच सेंधा नमक, चना भाजी 1 पाव। यदि आपको केला पत्ता ना मिले तो आप हरा पत्तल में उसे बिछा करके बना सकते हैं। इस आप लोग इस पान रोटी के साथ खाने के लिए चटनी बनाएंगे। चटनी के लिए सामग्री जो लगेगी, अमरूद, फल धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, सेंधा नमक, 3 प्रकार की चटनी बनाएंगे और साथ में शुद्ध घी भी रखेंगे। तो इस पान रोटी के लिए ज़्यादातर सामग्री हम अपने ही बगीचा से लेंगे, ताजे बगीचा से ही तोड़ेंगे। इस पान रोटी को जब हम विदाई होकर ससुराल गए, तब गांव में हमारी सासू माँ ने हमको दूसरे ही दिन बनाना सिखाई थी। वहाँ ज़्यादातर यही नाश्ता बनता था। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। चलिए, यह पान रोटी पौष्टिकता से भरपूर होती है, क्योंकि यह पूरी तरह छेना की आग और भाप में पका रहता है, इसीलिए यह बहुत ही पौष्टिक होता है। चलिए आप लोग, तो आज क्लास में तो हम यह पान रोटी बनाना सिखाएंगे ही, तो हमारे छत्तीसगढ़ का पौष्टिक नाश्ता पान रोटी आप भी बनाइए और स्वाद लीजिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ये चना भाजी है, इसे पान रोटी में डाल के बनाएंगे। ये हमारे ही बगिया का है ये चना भाजी। फल धनिया है, इसको तोड़िए, अच्छे से चटनी में डालेंगे इसको। फल धनिया है ये। मैम, केला पत्ती काट लूं? हाँ, कम से कम 5-6 पत्ती काट लीजिए जी। ये ताजी मिर्ची यहाँ से लीजिए, यहाँ से आप लोग ताजी मिर्ची तोड़ो। मैम, छेनों को यहीं जला दूं? हाँ, छेना और लगेगा।
देखिए आज ये कुकिंग क्लास में पान रोटी बनाना बता रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही पौष्टिक नाश्ता है। इसके लिए लेंगे ये कल रात में बनाया हुआ चावल है, इसमें पानी डाल के रात भर के लिए इसको रख दिए थे, और सेंधा नमक, आधा किलो चावल का आटा, और ये चना भाजी जो हम अपने ही बगीचे से लिए हैं। तो देखिए अब इसको, और ये टीपा लगता है इतना बड़ा, आप अपने फैमिली के हिसाब से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। यह नाश्ता 7 लोगों के लिए बनेगा। आधा किलो आटा है और इतना चावल, 7 लोगों के लिए यह नाश्ता काफी है। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस चावल को जो कल रात में बनाए थे इसमें डालेंगे। इसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे, यह सेंधा नमक है। अब इसमें चना भाजी को साफ करके रखे हैं। और ये आटा आधा किलो है। इसके ऊपर केला पत्ता भी खाएंगे। पहले इसे अच्छे से मिला लेंगे पानी डाल के। ना ज्यादा इसको कड़ा रखना है ना ज्यादा गीला। गीला ज्यादा रखने से बनाने में कठिनाई आएगी, और बहुत कड़ा भी नहीं रखना है। यह सभी उम्र के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और पौष्टिक होता है। देखिए नीचे यह टीपा है, इसके ऊपर पहले एक परत केला पत्ता बिछाएंगे। केला पत्ता इस प्रकार रखना है कि टीपा बिल्कुल भी रोटी में ना लगे कहीं भी। अब उसके ऊपर इसे अच्छे से गूंध लिए हैं। इसको आप पूरा एक साइड में फैलाएंगे। पहले इसका चारों तरफ किनारा ऐसे कर लेंगे, और उसके बाद धीरे से इसको जितना टीपा है उतने ही हिस्सा में आना चाहिए, उससे बाहर नहीं निकालना है। ऐसे देख लेंगे, टीपा से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब ऊपर दोबारा पत्ता लगाएंगे उससे पहले थोड़ा सा पानी इस प्रकार रख देना है, और एक साथ कर देंगे। यह पूरी तरह से आग में पकता है, इसीलिए बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छी तरह से ढाकेंगे ताकि जब हम इसके ऊपर आग को रखेंगे तो इसमें बिल्कुल भी कुछ ना लगे और रोटी एकदम फ्रेश रहे। इस प्रकार अच्छे से चारों तरफ ढाक देना है इसको।
हो गया। अब ये आग के ऊपर रखने के लिए तैयार है। अब इसे ले जाके आग में रखेंगे। पहले इसे एक बराबर कर लेंगे, एक लेवल में इसके ऊपर रोटी को रखेंगे। अब इसके ऊपर रोटी रखेंगे। अब इसके ऊपर इसको फिर पूरा एक परत इसमें बिछा देंगे इसके ऊपर। देखिए इस रोटी को इस नाश्ता को बनाने के लिए थोड़ी कच्ची जमीन होना जरूरी है ताकि इसको कच्ची जमीन पे बना सकें। दोबारा जब डालेंगे यदि कम पड़े तो इसको तोड़ के और डाल देंगे। देखिए आधा से पौन घंटा पक चुका है। अब इसे पलटेंगे क्योंकि ये बड़ा है रोटी, इसीलिए इसको कम से कम आधा या पौन घंटा पकाते हैं। इसे हटा देंगे और इसके ऊपर भी इसको रखेंगे। इसकी दूसरी तरफ पकने के लिए इसको धीरे धीरे इसको सबको रख देंगे। अब ये भी आधे घंटे में पक जाएगा। सभी तरफ इसको छेना को रख देना। अब ये आधा घंटे में अच्छे से पक जाएगा। देखिए पलटने के बाद इसे आधा घंटा और पकाए हैं। अब यह पान रोटी पूरी तरह से पक चुका है। यह रोटी पूरा बन चुका है। ये चटनी के लिए ना पुदीने की पत्ती है। Thank you.
मैम ये पुदीने की चटनी है। हाँ एकदम बारीक महीन कितना है। मैम ये अमरूद का चटनी है, ये पुदीने की चटनी है और ये टमाटर की चटनी है। बहुत सुंदर, सिल का चटनी का स्वाद ही अलग होता है। ये देखिए पान रोटी अब खाने के लिए तैयार है। चार तीन प्रकार की चटनी है और यह घी है, इसको इसी प्रकार खाया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट है।